तो मैं कह रहा था निश्चितताओं का दौर है, तो मेरे सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, यंग मॉन्क व्लॉग्स मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, ANM म्यूज़िक मेरा म्यूज़िक सुनने के लिए, ठीक है फिलहाल ये दो कर लो, और ANM स्टूडियो सॉरी। तो बड़े दिनों से एक कमेंट आ रहा था प्लैटिनम ले आओ प्लैटिनम ले आओ, मुझे पता नहीं था प्लैटिनम कौन सी विस्की है। तो आज मैं ठेके पे गया तो मुझे ये दिखी शेरी प्लैटिनम, इस पे लिखा है दोस्तों सॉरी फ्लैश की वजह से थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, शेरी प्लैटिनम, और काफ़ी ना अच्छी बोतल है और चंडीगढ़ का माल है और रॉक एंड स्टॉम डिस्टिलर्स है जो कि काफ़ी फेमस है, याद नहीं आ रहा कौन सी पी थी हमने पर पीते हैं हम इसकी। और प्लॉट नंबर 214 इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ वन चंडीगढ़, फॉर सेल इन दिल्ली ओनली, और 125 रुपये का है। तो वही हमारी प्रीमियम विस्की है और रेट के हिसाब से आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स को भाएगी और डेली ड्रिंकर्स को भाएगी भाई, 500 रुपये की बोतल आई थिंक दिस बेस्ट रेट है विस्की के लिए, है ना, एक स्टैंडर्ड रेट मेंटेन हो चुका है विस्की का विच इज़ गुड। तो अभी भी जो ठेके हैं उन पर काफ़ी अलग अलग माल है, किसी पर शेरी प्लैटिनम मिल रही है तो किसी पे आफ्टर डार्क टाइप मिल रही है, और जो प्रीमियम बेसिक है जो हमेशा मिलती है वो तो सब पे मिल रही है। तो आइए आज एक तरह से रिव्यू ऑन डिमांड हो गया, जो भाई कह रहा था कि शेरी प्लैटिनम ले आओ, इसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, हो सकता है चंडीगढ़ में ज़्यादा बिकती हो पंजाब में, और जो पंजाब में बिकती है वो दिल्ली आ ही जाती है क्यों जी। और तो मौसम की बात करें, पिच रिपोर्ट दूँ तो आसमान साफ है, सुबह से बादल थे, थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही थी कभी कभी, तो अच्छा दिन पीने के लिए। और पीने से पहले हम पीने के लिए किसी को प्रेरित नहीं करते, सिर्फ पॉडकास्ट है आपसे बातें करते हैं, दिल लगा रहता है, जो भी भाई दूर है हमारी बातें सुन के थोड़ा दिल हल्का कर लेते हैं, और तो कुछ भी नहीं है भाई। जैसे लोग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, वो गलती बिल्कुल मत करना, मैं बिल्कुल भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, सॉरी मैं स्मेल करना भूल गया, चलो पानी के साथ कर लेते हैं, नहीं पानी से समझ नहीं आ रही स्मेल, बोतल से कर लेते हैं। देखो भाई बहुत ना रंग रूप बहुत अच्छा है इसका, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में कहती है ब्लेंडेड विद स्कॉच एंड सिलेक्टेड इंडियन मोल्ड्स, कोई ज़्यादा भसड़ नहीं है, अच्छा सा वेरिएंट इन्होंने निकाला है, नाम रखा है शेरी, वेरी गुड नेम, चीयर्स टू शेरी। आइए पहला पैक लगाया शेरी का, बहुत अंदाज़ा नहीं है मुझे इस विस्की का और कोई रिव्यू नहीं होते, बस एक तजुर्बे होते हैं, ठीक है ना, कोई भी विस्की का रिव्यू नहीं दे सकता क्योंकि सबके शरीर अलग है, सबके दिमाग अलग है, सबके हालात अलग है। बहुत ही सोफेस्टिकेटेड आफ्टर स्मेल, बहुत ही लाइट, बहुत ही स्मूथ। एक बात और अच्छी है, मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसका रिव्यू किया है, तो अच्छे खासे व्यू और लाइक और सब्सक्राइबर्स आ जाना मेरे पास, बातें करते रहना मुझसे। बहुत ही सटल, बहुत ही लाइट, बहुत ही माइल्ड, परफेक्टली ब्लेंड लग रही है, ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा पहले बैग के बाद, अभी और पीते हैं। साथ में मेरा रोटी और चिकन भी है आज, सस्ते वाला चिकन है, और देखते हैं कैसा लगेगा, नटखट खा रहा हूँ वैसे। पंजाब से याद आया, एक वेब सीरीज़ देखी थी मैंने अभी, ज़िला संगरूर, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, देखना आप, राइटिंग अच्छी है उसकी, बाकी जैसे इंडिया वाले अपना, इंडिया वाले सॉरी कह रहा हूँ, हिंदी सिनेमा वाले बॉलीवुड वाले मिर्ज़ापुर वगैरह बनाते हैं, उस लेवल की तो नहीं बट फिर भी काफ़ी सही लगी मुझे। और जो बंदे चंडीगढ़ पंजाब हॉस्टल लाइफ में रहते हैं, बताइए वहाँ की लाइफ कैसी थी। और अभी एक वहाँ केस हुआ था CU में, MMS वाला, उसमें जो लड़का था, क्या नाम था उसका, नाम मुझे नहीं पता, वो निर्दोष है या क्या है, क्या चल रहा है मीडिया में, ज़रूर बताना कमेंट्स में जो चंडीगढ़ से हो। चंडीगढ़ मैं एक दो बार आया हुआ हूँ, एक बार की सिलसिला मुझे याद है, मैं पंचकूला गया था तो गुरुद्वारे में रुका था, उन्होंने मुझे मना नहीं किया था, पंचकूला में जो गुरुद्वारा है, उन्होंने कहा था हमें थोड़ी देर के लिए रुकना था, तो उन्होंने कहा कोई नहीं पुत्र तुसी इत्थे सो जाना ते इत्थे नहा धो लेना,
हम नहाए धोए भी वही थे, मेरा याद है, मेरा दोस्त जम्मू वाला मेरे साथ था, हम ट्रेन से गए थे भाई। मज़ा आता है ऐसी ट्रिप्स का। बट उस समय मुझे पता नहीं था कौन सी बस कहाँ से मिलती है, कौन क्या मिलता है, तो बस ऑटो में चढ़ चढ़ के 100-150 ऐसे खर्च हो रहे थे। तो इतनी याद है चंडीगढ़ की। बाकी मैं चंडीगढ़ के लोगों से मिलना चाहता हूँ, खासकर चंडीगढ़ की खूबसूरत लड़कियों से। अब कहेंगे भाई लड़की भी तो तुझसे मिलना चाहेगी। मिलेगी यार, इतना एने माड़े नहीं अपा। इकट्ठे होके मित्रा ने अज खूते बार बना ली, चो बंदे ने पांच बोतला कर दितिया ने खाली, अजे भी केंदे मूड नहीं बड़े छे भी होर मंगा ली, ओ अज आपा करांगे राते काली। इकट्ठे होके मित्रा ने अज खूते बार बना ली, इट मीन्स दोस्तों ने इकट्ठे होके कुएं के पास बार बना लिया। कुआं वुआ होगा कोई गांव में तो बना लिया होगा, तुम्हें क्या दिक्कत है, गाना है गाना गा। विस्की बहुत स्मूद है, हल्की सी मिठास भी है और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा। जो लोग कहते हैं स्वादिष्ट दारू पिला बताओ, कम स्मेल वाली दारू बताओ, तो शी इज कम स्मेल वाली। सूंघ के देख लेते हैं क्योंकि नोजिंग करना ज़रूरी है नीट की। तो कोई अपनी फ्रेगरेंस नहीं है इसकी, कोई फ्लेवरफुल चीज़ नहीं है, बट सेंस आपको हो जाएगा कि चीज़ क्वालिटी वाली है। और रोकेनस्ट्रॉम डिस्टिलर्स अच्छा ही ज़्यादातर माल बनाता है, शायद डेनिस भी यही बनाता है और शायद वाइट एंड ब्लू भी यही बनाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, नहीं तो करेक्ट मी भाई। और दोस्तों चैनल पे कोई सजेशन है, कोई रिव्यू ऑन डिमांड है ज़रूर बताना। कोई बड़ा ब्रांड चाहते हो थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया करो, सुपर थैंक्स या सुपर चैट से नीचे आपके ऑप्शन आता ही है। और सब्सक्राइबर्स की बात करो तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स से मेरी बात चल रही है। रोहन भाई मैं तुझे फ़ोन कर लूँगा, सन्नी भाई कैसे हो, खुश रहना। गुरचानी साहब से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, गुरचानी साहब अगर पाकिस्तान से आप कहीं भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, मैंने आपको एक नंबर आपके नंबर पर हाय हेलो भी भेजा है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना। और मेरे साथी विकास राठी, पुराने बंदे, रोहित के, जो हम्बल, मतलब ऐसा नहीं है, आप पता है नाम में इसलिए नहीं था कि सबका नाम याद नहीं रहता है, और मतलब याद रहता भी हो तो आप वीडियो बनाते बनाते कई बार भूल जाते हो ना, समझ रहे हो ना, जैसे कई बार गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी से तो हमें पता होता है भाई ये वाले गाने चलाएंगे, अब गाड़ी में बैठे ऑक्स लगाई भूल गए, फिर वो चल रहा है, क्या चल रहा है, रागिनी चल रही है अपनी, रागिनी जैसे बहुत बढ़िया होती है, दिल को भाती है मेरे। रही बात शराब की, तो शराब इंसान क्यों पीता है, इसी को पता लगाने के लिए हम पी रहे हैं, सॉरी प्याज का टुकड़ा आ गया, इसी को पता लगाने के लिए हम पी रहे दोस्तों, हम दिल ने नहीं मारे है ना। और ताज़ी प्याज है विच इज़ गुड, अच्छे दुकानदार की निशानी, अच्छी सलाद। शराब ये किस लिए अच्छी है, देखो अभी तक मुझे तो हिट नहीं किया इसने, और पैक में काफ़ी सही सही पी चुका हूँ, दो पैक बढ़िया वाले पिए मैंने, 50-50 तो पिया ही होगा, 180 होता ना, हाँ 50-50 तो आराम से पी लिया। खासियत है इसकी, इसकी खूबसूरती है इसकी बोतल में, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और बनाने वाले ने दिल से बनाई है, ये नहीं कि बस माल पेलना है, और 125 रुपये में बहुत बढ़िया माल है इस समय। अगर आप इससे ऊपर के ब्रांड पीते हैं जैसे रॉकफोर्ड वगैरह, सो मस्ट ट्राई है, उस थोड़ा सा तो आपको इसका घोल कम अच्छा लगेगा, बट और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चॉकलेटी या कैरेमल या किसी चीज़ का एसेंस हो, सिंपल विस्की है। हालांकि इस पे लिखा है द फाइनेस्ट स्कॉच माल्ट्स पीट, एक मिनट, वीट है, पीट है, पीट फ्लोरल हनी मेंशन तो कर रही है, पीट फ्लोरल हनी, ओके फ्लोरल भी नो, यस इट हैज़ एसेंस ऑफ हनी, आई एम सॉरी। और कई बार ऐसा पढ़ के भी ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ लिया वो हम इमेजिन कर लेते हैं। तो फाइनल पैक के बाद, इस पैक के बाद आपको मैं कंक्लूजन दे दूंगा कि शेरी प्लैटिनम किस किस चीज़ के लिए अच्छी है, कैंपिंग के लिए, स्टोर करने के लिए, आपके बार की शान बढ़ाने के लिए, अकेले पीने के लिए, दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, देखो सारे हमारे पास श्रेणी है, पॉलिटिशियंस के लिए, टीचर्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, हर कैटेगरी
अलग अलग भाई मैंने नहीं बनाई कैटेगरी, मैं तो चाहता नहीं हूँ कैटेगरी, पर बनी हुई है कार्य व्यवस्था के हिसाब से। चोलामंडलम अशोका जी ने बनाई हुई, पता नहीं किसने बनाई, अंग्रेजों ने उसको दौड़ाया, हमें बांटा काटा। कैटेगरीज बहुत सारी हैं, कैटेगरीज बहुत सारी हैं, और इसीलिए हम बहुत सारी कैटेगरी की वीडियो भी बना सकते हैं। दिमाग का ढक्कन खोलो, बाकी यूट्यूबर्स जो मुझे सुन रहे हैं, बाकी सब अच्छा काम कर रहे हैं यार, सब मोटा काम कर रहे हैं। मैं ही हूँ जो मस्त मलंगी में चल रहा हूँ, और मुझे इस बात का ना गर्व है ना कुछ है, मैं ऐसे ही हूँ यार, मैं ऐसे ही हूँ, बस मैं ऐसे ही हूँ, मैं भाई ऐसे ही हूँ। ओके गाइस, सो दिस यूनिक चिकन इज डार जी का चिकन, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। मैं भी इसको ट्राई करने वाला हूँ, देखने में ऐसा लगता है जैसे मटन हो, बट ये चिकन है। इसके दो पीस हमें काफ़ी सस्ते मिलते हैं दार जी के यहाँ से, और शेरी प्लेटिनम दार जी बुंड पाड़ रहे हैं शराबी होगी, कहते हैं चिकन खाओ पैंट, क्यों नहीं खाते तुम चिकन, ठीक है ना, इतने बढ़िया रेट में देखो प्याज भी दिख रहा है, ठीक है जी। जो लोग चिकन नहीं खाते आई एम सॉरी, वो नटखट खा लेंगे। रही बात शेरी प्लेटिनम की, भैया चीज़ बनाई है, और ये जो सी ग्रीन कलर होता है मुझे वैसे ही पसंद है, तो कलर का टच भी अच्छा है और शराब का कलर भी बहुत अच्छा है। इसकी गहराइयों में आपको मैं डुबाना चाहूँ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, तो अपनी आंखें खुली रखना, तो मज़ा सा आता है। अच्छी क्वालिटी की बोतल है, और नेवर माइंड माय नेल्स, स्पोर्ट्समैन बंदे ऐसे होते हैं भाई, थोड़े मेले कुचैले, और ये है इसका एड्रेस। और आज की बनाते हैं हम क्या कहते हैं उसे, कवर पिक, थंबनेल, 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 शब्द नहीं आ रहे हैं मुझे अभी भी है। ओके नाइस थंबनेल, सो यू आर ट्राई द रोटी, बिकॉज रोटी इज बोटी। चिकन चखना ओ मेरे मखना। सो चिकन का चखना कैसा होना चाहिए, ये चैनल इस पर आधारित है ना, इस पर भी आधारित है। और ग्रेवी चेक करते हैं पहले, ये दार जी का चिकन है, सिंपल स्ट्रीट फूड है। आप ये थोड़ा लाल, इसमें क्या तेल है, तो इसको तेल को पोर कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी अपना शराबी बंदा महफिलों में बैठा है, लर्न दीज थिंग्स मैन, इट कैन रियली हेल्प यू फॉर अ बेटर शराबी लाइफ, बेटर चखना, बेटर द चखना, बेटर द शराबी, एंड यू मस्ट गोना ट्राई दिस रोटी। रोटी का रेट है जी 5 rupees, एंड साइज इज नॉट सो गुड, बट इट्स ओके। इतना हम चोचले वाले बंदे तो है ही नहीं हम। चिकन चखना ओ मेरे मखना, पहले हम ग्रेवी के साथ ट्राई करेंगे। तो सर्दी की सर्दी की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम है इस रोटी की, मुझे लगता है मैदा ज़्यादा ऐड है, बट स्वाद अच्छा है, और हम स्वाद के लिए जी रहे हैं भैया। सो मैंने बहुत सी ग्रेवी खाई है दोस्तों, चिकन की, मटन की, बट जो स्ट्रीट फूड में मज़ा है ना वो कम है थोड़ा, वो मतलब उसके ऐसा मतलब मज़ा औरों में कम है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। और ये मुझको बिल्कुल गोवा का वो रोड साइड कोल्हापुरी चिकन खाया था मैंने ना, वो याद दिला रहा है। और उन्होंने जो परांठा सा दिया था मुझे, जिन्होंने नहीं देखा वो ये ब्लॉग देख सकते हैं, लिंक में आपको सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप सहायता देते रहना। बाकी देखो कितना अच्छा कट रहा है चिकन, इट मींस इट इज़ स्मूथ एंड फ्लेम्ड इन लो फ्लेम, कुक्ड इन लो फ्लेम।
इट्स वेरी होमली चिकन एक्चुअली। कुछ ऐड किया है ना, थोड़ा खट्टापन है, वाकई में अच्छा बनाता है यार ये। एंड आप शौक हो जाएंगे इसका रेट जान के, 50 रुपये का ये जो मैं खा रहा हूँ, और 10 रुपये की दो रोटियाँ, 60 और 125 की हमारी शेरी प्लैटिनम है, यानी 185 रुपये, 10 रुपये की नटखट है, यानी 195 रुपये, मतलब 200 रुपये में इतनी मौज। महफिल तो रिकमेंडेड है भाई, चखना भी रिकमेंडेड है। एड्रेस वेड्रेस दे देंगे आपको, अभी हमें और आगे जाना है, सितारों के आगे जहाँ और भी है। चलिए तो इस चिकन को मैं देता हूँ 5 में से बहुत आराम से 4 अंक, क्योंकि मुझे क्वालिटी में इतना खिलवाड़ नहीं लगा, थोड़ा बहुत ज़रूर होगा पानी के साथ या पानी की क्वालिटी के साथ, बट स्टिल एक दो राउंड वापस ज़्यादा मार लेंगे सुबह यार, और क्या, सुबह नहीं तो शाम को मार लेंगे। मज़ा आया, मज़ा आना चाहिए। तो अगर आप अकेले खा रहे हैं, अगर आपके दोस्त जजमेंटल नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर लेना, मतलब रोड साइड चिकन। अगर आपको इसका प्रॉपर एड्रेस चाहिए, सो आई विल सेंड यू इन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इज ट्रैवलिंग बॉर्डर और टेक्निकल शराब, यू कैन सर्च इट। ओके तो बंधुओं, आपको देना है कंक्लूजन आज शेरी प्लैटिनम का, जिसने महफिल में मज़ा तो बांध ही दिया है, और वाकई में मज़ा आया यार इस महफिल में। हरी मिर्च खा के दिखा दूँ क्या, अब इतना मज़ा आया, अग मैंने डाला ही हुआ है, कम पानी के साथ पीना चाहूँगा, क्योंकि सच में माइल्ड है, नशे के मामले में सटल है, अच्छी है। हाँ, ऐसा हजार्डस सा नशा नहीं है कि है ये क्या पी लिया, मज़ा है, मज़ा तो बांध रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, शक की बात नहीं है। और इसीलिए मैं इसको इस पैक के पीने से पहले ही हाईली रिकमेंड करता हूँ, जिसने नहीं पी यू कैन ट्राई। जिसने मुझे सजेशन दिया था इसका, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी चीज़, क्योंकि पता क्या, जो ब्रांड चलते आ रहे हैं ना, वाइट एंड ब्लू हो गया, ऑल सीज़न तो लगभग ख़त्म ही हो गया, वाइट एंड ब्लू हो गया, रॉयल ग्रीन हो गया, एरिस्टोकैट प्रीमियम हो गया, स्किन क्राफ्ट हो गया, रॉयल स्टैक तो अभी मिल नहीं रही, ये क्या है, ये बंद रहा, ब्लेंडर स्प्राइड हो गया, ये क्या बंद जाते हैं एक ही चीज़ में, है ना, कि हमारी तो बिक्री है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, बट जब भी कोई नई प्रोडक्ट हमें लॉन्च करता है ना, वो जुआ भी खेलता है भाई, चले ना चले, बट ये जुआ मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा भाई शेरी प्लैटिनम। मेरी तरफ से इस पैक के बाद आपको बता दूँ कितने अंक है और किस किस चीज़ के लिए रिकमेंड करता हूँ। कम पानी के साथ ऑफकोर्स थोड़ा वियर्ड तो लगता है, बट अभी भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं लगा दुनिया छोड़ के भाग जाऊँगा, बट जो एक थोड़ी सी कमी लग रही है कि जैसे वो गोवा स्पिरिट जैसी में बहुत सस्ते दारों में एक वो वाली फ्रेगरेंस होती है ना, फोमी सी या क्रीमी सी, वो थोड़ी घट कम होती ना इसमें, मज़ा ही आ जाता, तो उस वजह से मैं इसका कम से कम 1 अंक काटूँ। अदरवाइज बिटरनेस भी कम है, स्वाद भी अच्छा है, आफ्टर स्मेल भी अच्छी है, या इट इज सोलफुल टू, इट्स अ गुड विस्की, सो गुड विस्की। पर मैं सोच रहा था हाईली रिकमेंड कर दूंगा, नहीं, हाईली रिकमेंड फॉर अ ट्राई तो है, देखो ओके इट्स हाईली रिकमेंड, बट 5 में से मैं इसको 3.8 अंक दूंगा, एवरेज से ऊपर है, और एक मज़ेदार शाम बना सकती है। रिकमेंडेड किसके लिए, डेली ड्रिंकर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स जो लीगल एज में पीते हैं उनके लिए, और इफ़ यू कोई ऑन द रॉक्स पीता है तो उसको भी अच्छी लगेगी, और कोई और भी देख रहा है इस वीडियो को तो प्लीज़ इसको रिव्यू करो, अच्छी चीज़ है मेरी तरफ से, इट्स माई पर्सनल
रिकमेंडेशन। चिकन भी देखा, बजट महफिल भी देखी, बातें भी सुनी। तब भी मैं ये नहीं कहूँगा वीडियो को शेयर करो फेसबुक वगैरह पे, क्योंकि मैं कोई बहुत महान काम नहीं कर रहा दोस्तों। पर जो भी आपके साथ पीते हैं, भाई दोस्त बंधु चाचा ताऊ, बंदी का भाई, भाई की बंदी, जिसके साथ भी आप पीते हैं, उसके कान में बोल दो जाके, यार यूट्यूब पे एक ऐसा बंदा है महफिलें लगाता है, थोड़ी देर बात करता है, 10-20 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम बात पता की करता है, पी भी लेता थोड़ी सी, उसका चैनल ज़रूर सपोर्ट करो, विज़िट करो, सब्सक्राइब करो, सुपर चैट करो, चैट करो, यूपीआई करो, यूपीआई आईडी भी दे दूंगा।